हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पे ट्रिक्स बताऊंगा, इसको कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है सारा यहां मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका रेलवे का NTPC का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहां पूछा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने 10 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन को शामिल किया है। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है और ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको ट्रिक से हम कैसे बनाते हैं। देखिए, बस आप ये वीडियो पूरा देखिए। देखिए, क्वेश्चन है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। तो देखिए, टोटल जो मिश्रण था दूध और पानी का वो कितना था, 20 लीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का अनुपात कितना था, तो देखिए दूध और पानी का जो अनुपात था वो था 3:1, यानी कि दूध जो था 3:1 में था और पानी 1:1 में। अच्छा, अनुपात में देखिए यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, अगर बोले टोटल कितना अनुपात है तो ये हो जाएगा आपका 3:1:4, दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छा, दूध और पानी जो है वो कितना था, टोटल 20 लीटर, तो अनुपात टोटल कितना हो गया, 4, तो ये 4:1 जो है वो 20 लीटर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बोले कि 4:20 लीटर के इक्वल है तो 1:1 किसके इक्वल होगा, तो 1:1 जो है वो 5 लीटर के इक्वल होगा, क्योंकि इस तरह से कट जाएगा, ये 4 से 5 बार में 20 कट जाता है। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि 1:1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 लीटर, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, हमको सिर्फ ये और सिर्फ यहाँ पे क्या मिलाना है, दूध मिलाना है, ना कि पानी मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, जो पहले मिश्रण था वो कितना था, 3:1 का, यानी कि 1:1 का वैल्यू अगर 5 लीटर है तो जो दूध था वो कितना था, 3 था, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और पानी कितना था, 1:1 में था, ठीक है, पानी 1:1 में था, तो ये 1:1 का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। अब हमको क्या मिलाना है, दूध मिलाना है, मतलब ऊपर में हमको सिर्फ प्लस करना है, और जो अनुपात बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 4:1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक कीजिए। पहला ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यानी कि 15 में अगर 8 हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 15 में 8 अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 डिवाइड अगर 5 करेंगे, 23 को 5 से भागा देंगे, तो ये कभी कटेगा, क्योंकि हमको ये 4:1 लाना है, नहीं कटेगा, ठीक है। अब ऑप्शन ये तो गलत हो गया, अब ऑप्शन 5 लीटर पर चलते हैं। 5 लीटर को अब यहाँ पे प्लस कीजिए, तो 15 × 5 कितना होता है, 20, और नीचे कितना है, 5, देखिए तो ये कितना हो जाता है, कट के ये 4:1 हो जाता है, बिल्कुल ये अनुपात के इक्वल आ रहा है जो यहाँ पे पूछा गया था। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, 5 लीटर जो है इसमें दूध मिलाया जाएगा, तो अनुपात कितना बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रिकी वे में करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चंस का तरीका बता दिया कैसे करना है, और आपको फटाफट वहाँ पे कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा के बता रहा था, आपको वहाँ पे फास्टली करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए, क्या क्वेश्चन है कि दूध और पानी का अनुपात है किस रेशियो में है, दूध और पानी, तो वो है 5:2 में, ठीक है, 5:2 में है। अच्छा, टोटल यहाँ पे कितना अनुपात हो जाएगा, 5:2 का, दोनों अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:1। अच्छा देखिए, 35 लीटर दोनों मिला के जो मिश्रण है दूध और पानी का वो कितना है, टोटल 35 लीटर, यानी कि कहने का मतलब हुआ 7:1 जो है वो 35 लीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 लीटर, ये पूरा 5 बार में कट गया, तो 1:1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 लीटर। अच्छा,
अब दूध कितना था, दूध का अनुपात था 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1:5 का वैल्यू 5 लीटर, तो 5 का अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, ओके। अब देखिए पानी का अनुपात कितना था, तो पानी का अनुपात यहाँ देख रहे हैं 2 था, ठीक है, पानी का अनुपात 2 था, तो 1:5 का वैल्यू 5 लीटर, तो 2 का कितना हो जाएगा, 10 लीटर। अब क्या बोला, यदि इसमें हम 5 लीटर दूध और डाल दें, ठीक है, तो ऊपर 5 लीटर और दूध मिला दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, और नीचे कितना था 10, क्योंकि दूध ही मिला रहा है, पानी तो मिलाया नहीं है, ठीक है, तो ये अनुपात फिर नया कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका पूरा राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक आदमी तथा एक औरत दोनों मिलकर किसी काम को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन है, या आदमी और औरत मिलकर कितने दिन में, 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इनकी कार्य दक्षता का अनुपात कितना है, क्रमशः 14:11 है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि केवल एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन है यानी कि आदमी है, ठीक है, मैन, और कौन है, औरत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैन और वुमेन इसको लिख देते हैं, ठीक है, मैन और वुमेन। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितने दिन में करता है, 33 दिन में, और ये जो कार्य दक्षता दिया है ना किस अनुपात में, 14:11 में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैन है वो एक दिन में कितना काम करता है, 14 काम करता है, ठीक है, और जो वुमेन है वो एक दिन में कितना काम करता है, 11 काम करता है, ये आपको याद रखना है। कार्य दक्षता मतलब यही होता है, ठीक है, क्या होता है कि 14 काम जो है मैन वो एक दिन में कर लेता है और 11 काम वुमेन्स वो एक दिन में कर लेता है। अच्छा अब देखिए दोनों मिलकर अगर बात करें यहाँ पे एक दिन में कितना करेगा, अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है तो ये 14 काम करेगा मैन और वुमेन करेगा 11, तो 14 और 11 कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 वर्ग, यानी कि दोनों अगर साथ साथ करेगा तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों एक्चुअल में काम को कितना दिन में समाप्त कर लेता है, मिलकर 33 दिन में, तो यहाँ आप लिखेंगे 25 और कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 33 दिन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, केवल एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है, ठीक है, केवल एक औरत। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा है एक औरत एक दिन में कितना करता है, 11 काम करता है, तो इधर लिखिए 11 काम अगर एक औरत करेगी तो कितना दिन लगेगा, यानी कि हम एक्स मान लेते हैं कितना दिन लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको 11 से देखिए 33 को अगर कट करेंगे तो 3 आएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि एक औरत अगर वो काम करेगी तो टोटल कितना दिन लगा देगी, 75 दिन लगा देगी, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थियों क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे, वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया, तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए जो कॉलेज था उसमें कौन कौन था, पाठ्यक्रम था एक कला संकाय था और दूसरा वाणिज्य, इसको हम भी सी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कितना था दोनों का अनुपात विद्यार्थियों का दोनों में, तो वो था 4:5 में, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश ले लिया, किसमें, वाणिज्य संकाय में, तो अनुपात कितना हो गया, 8:11 हो गया, यानी कि कला का 8 हो गया और वाणिज्य का 11 हो गया। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रवेश जो विद्यार्थी लिया किस संकाय में लिया, तो वो लिया किसमें,
वाणिज्य संकाय में, ठीक है, मतलब ये जो कला का संकाय है इसमें कोई भी विद्यार्थी शामिल नहीं हुआ फिर बाद में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो फिर सेम रहना चाहिए, यानी कि ये दोनों 4 और 8 यहाँ पे अलग अलग है, इसको सेम होना चाहिए, क्योंकि कला संकाय में अगर कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हुआ है तो रेशियो फिर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। रेशियो डिफरेंट सिर्फ किसका होना चाहिए, इसका। तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि कला में जो रेशियो है 4 और 8 को दोनों को इक्वल कर देना होगा। कैसे करेंगे, तो अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 कितने में बदल जाएगा, 8 में, और 5 कितने में बदल जाएगा, 10 में। तो हम वही करते हैं, इस 4 और 5 को मिटा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 8 और 10 कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, इसको यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और 10 का, और फिर जो हो गया इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 में और 11 में। तो देखिए अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कला में कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हुआ था। अब देखिए, अब वो यहाँ वाणिज्य कितना हो गया, 10, और उसके बाद 11, पहले 10 था फिर 11 हो गया। क्यों हो गया 10 से 11, क्योंकि 65 विद्यार्थी और आ गया था, प्रवेश ले लिया था। तो दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो 11 में 10 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और कितना विद्यार्थी शामिल हो गया था फिर बाद में, 65। यानी कि 1:1 का वैल्यू जो है वो कितना है, 65 विद्यार्थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे, 8 ही था ना, दोनों का अनुपात सेम हो गया तो 8 था। तो 1:1 का वैल्यू अगर 65 है तो 8:1 का वैल्यू कितना होगा, तो 8 से 65 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 कितना होता है, 52। तो 520 विद्यार्थी जो थे वो कला संकाय में थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला और राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9 और 8 के अनुपात में कम कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, एक जो कारखाना था उसमें कर्मचारी पहले 9 के अनुपात में था, फिर कम करके कितना कर दिया गया, 8 कर दिया गया, मतलब कर्मचारियों को, कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। मतलब पहले अगर 9 के अनुपात में कर्मचारी था तो कितना वेतन मिलता था, 14 मिलता था। अब कर्मचारी को अगर कम कर दिया है, ठीक है, अब कर्मचारी को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वेतन भी थोड़ा बढ़ा दिया है, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या बोला कि कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। तो पहले ये समझिए, मान लीजिए पहले 9 कर्मचारी था, ठीक है, तो एक कर्मचारी को अगर वेतन 14 मिलता था तो 9 कर्मचारी को कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 कर्मचारी को कितना हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, 9 गुना कर लीजिए 14, तो 9 गुना 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये आपका 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 8 कर्मचारी ही रह गया, एक को निकाल दिया, तो एक का वेतन अगर 15 कर दिया तो 8 कर्मचारी का कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 15 कर लीजिए, तो 8 गुना 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। और देखिए कितना हो गया, 120 में इससे डिवाइड कर दीजिए 126 से, तो ये अनुपात में रह गया, और इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 21, ठीक है। देखिए यहाँ पे 126 ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि कितना वेतन हो गया था, 126 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तो 120 आया था, हमको क्या करना है, 126 में डिवाइड कर देना 120 से, तो ये इसको अगर कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21:20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए पहले वेतन क्या था, पहले अगर वेतन देता था कर्मचारी को तो वो ज़्यादा वेतन उसको लगता था, 126 लगता था, अगर 9 कर्मचारी की हम बात करें तो 126 रुपये लगता था,
लेकिन अब कर्मचारी कम कर दिया और वेतन भी बढ़ा दिया, फिर भी कितना लग रहा है, 120 रुपये लग रहा है, अब कम लग रहा है। ठीक है, पहले 126 लगता था, अब 120 ही लग रहा है। तो दोनों का अनुपात अगर निकाले तो 126 डिवाइड 120 करेंगे तो कितना आएगा, 21:20 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारीगर एम मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक कारीगर एम घंटे में, ठीक है, यहाँ पर देखिए एम मिनट में लिखा है, तो एम मिनट में कितना वस्तु बनाता है, जे वस्तु बनाता है, जो जितना बनाता है ना उसको नीचे लिखना है हमेशा, जे वस्तु बनाता है। अच्छा ये देखिए एम मिनट है तो मिनट को हमको चेंज कर देना है घंटा में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/3 क्या है, घंटा है, तो मिनट को हमको घंटा में अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इधर देखिए, अब इधर लिखेंगे 2/3 घंटे में कितना वस्तु बनाएगा, तो दो कितना में, 2/3 घंटे में, और मैंने बताया था जे यहाँ पे वस्तु था तो इसको हमने कहाँ लिखा, नीचे में, तो हम मान लेते हैं वो एक्स वस्तु बनाएगा, कितना बनाएगा, एक्स वस्तु। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 या 60। ठीक है, तो इधर देखिए एम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरह से, तो एम मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स से, और इधर से करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 20 × 2 = 40 इंटू जे हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू ही हमको निकालना है, कितनी वस्तु में बनाएगा 2/3 घंटे में, तो कितना हो जाएगा, 40 जे डिवाइड में एम आ जाएगा। तो देखिए 40 जे डिवाइड में एम कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, मतलब एक किला था उसमें कितना सैनिक था, 150 सैनिक था, तो उसके लिए जो भोजन था वो 50 दिन के लिए अवेलेबल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो पहले देखिए कितना सैनिक था, 150 सैनिक, ये तो कन्फर्म है कितना सैनिक था, 150 सैनिक था, तो इसको हम लिख देंगे। कितने दिन के लिए खाना था 150 सैनिक के लिए, 50 दिन, तो 50 दिन ये खाया क्या, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्योंकि 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए, मतलब ये तो कन्फर्म है 150 सैनिक ने कितना दिन खाना खाया, तो 20 दिन खाया, क्योंकि सैनिक जो गए हैं वो 20 दिन के बाद ही कुछ सैनिक गए हैं, कितना गए हैं, 50, तो 150 20 दिन तक तो खाना खाया है, बिल्कुल खाया है, तो 150 ने 20 दिन तक खा लिया। देखिए इसको मैं शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 150 को हम यहाँ लिख देते, 150 ने कितना दिन तक खाना खाया, 20 दिन तक खाना खाया। ओके, अब देखिए 50 सैनिक अगर निकल गए तो 150 में फिर कितने रह गए, तो 150 में 100 रह गए। ठीक है, 150 में 100 रह गए। देखिए इसका रिलेशन जो बैठाएंगे हम इस तरह से बैठाएंगे, देखिए रिलेशन जो बैठाएंगे किस तरह से बैठाएंगे, देखिए समझना है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 150 सैनिक 50 दिन तक खाना खाता है, ठीक है, खा सकता है, उसके लिए व्यवस्था था, लेकिन यहाँ कितना खाया, 20 दिन तक खाया। ठीक है, अच्छा फिर मतलब 20 दिन तक खा लिया, मतलब 150 सैनिक अगर रहता तो कितना दिन और खाता, 30 दिन, ठीक है, अगर रहता तो कितना दिन और खाता, 30 दिन खाता, लेकिन अब कितना सैनिक बच गया, 50 जाने के बाद 100 बच गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 150 सैनिक बचा हुआ खाना 30 दिन में खाता है तो 100 सैनिक उसी खाने को कितने दिन में खाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स दिन में खाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10 कैंसिल करेंगे तो इससे निकल जाएगा, 10 यहाँ से हटाएंगे इससे निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 15 × 3 = 45 दिन। ठीक है, यानी कि जो आपका 100 सैनिक रह गया वो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक खाएगा, 45 दिन तक खाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड
करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। ये तो बहुत ईजी है, इसको आप बना सकते हैं। देखिए क्या बोला कि कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए कितना चावल है, 239। ठीक है, 238 कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो एक दिन के लिए कितना होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक दिन के लिए अगर हम बात करें कैंटीन में कितना चावल होना चाहिए तो 238 में 7 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा 49 दिन के लिए, तो 49 दिन के लिए क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सॉल्यूशन तो आप करने जानते हैं, इसको कट कीजिए तो ये 7 हो जाएगा, और 238 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 166, ये आ जाएगा। ठीक है, 1666, तो ये तो ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। ठीक है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सकें, यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए कैसे इसको बनाएंगे कि 1600 अगर व्यक्ति रहता तो उसके लिए जो खाद्य सामग्री थी वो कितने दिन तक चलती, 60 दिन तक चलती, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे 1200 ही व्यक्ति है। ठीक है, कितना व्यक्ति है, 1200 व्यक्ति है, तो अगर 1200 व्यक्ति है तो फिर कितना दिन तक चलेगा, वाजिब सी बात है अधिक दिन चलेगा, तो हम मान लेते हैं एक दिन चलेगा। तो आपको क्या करना है, कट कर देना, यहाँ से 0 हटाइए और एक यहाँ से, इसको हटाइए एक यहाँ से, और 12 पंचे कितना होता है, 60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब 1200 आदमी है तो ये अधिक दिन तक चला, कितना 80 चला, पहले जब 1600 था तो कम दिन ही चला था 60, अब 1200 व्यक्ति है सिर्फ कम ही है तो खाना अधिक दिन चलेगा, 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका राइट है, थर्ड नंबर वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक खान में मजदूरों को 5:4 के अनुपात में कम कर दिया गया, मतलब एक खान था जहां मजदूर काम करते थे उसमें क्या किया गया, पहले मजदूर 5 था, ठीक है, उसको कम करके कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उनकी मजदूरी लेकिन क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, पहले अगर 6 रुपये मिलता था एक मजदूर को तो अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा एक मजदूर को 7 रुपये। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुल दे मजदूरी में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो पहले ये समझिए, पहले अगर हम मान लेते हैं 5 मजदूर था तो एक को कितना मिलता था, 6 रुपया मिलता था, टोटल कितना हो जाएगा, 6×5=30, यानी कि वहाँ जो खान का मालिक होगा उसे कितना देना होगा, 30 रुपया देना होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, मजदूर को कम कर दिया, तो अब यहाँ 4 मजदूर है और पैसे को बढ़ा दिया, कितना, 7 रुपये, एक को मिलता अगर 7 रुपये तो 4 को कितना मिलेगा, तो 7×28 मिलेगा। तो आप देखिए कुल दे में जो खान का मालिक था वो जो जितना देता था उसमें वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो पहले देता था 30 रुपया लेकिन अब दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 28 रुपये, तो वाजिब सी बात है कम ही हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, कमी हो जाएगी कुल मजदूरी में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी टाइप का ट्रिक्स यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए। थैंक यू।